दोस्तों मिक्सिंग ग्राइंडर रिपेयर इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की वीडियो है हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि अक्सर मिक्सी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि इसकी जो प्लग को बिजली की बोर्ड में लगाते हैं, लगाने के बाद मिक्सी की बटन चालू करते हैं, मिक्सी चालू हो तो जाती है लेकिन जार में कुछ भी नहीं पिसता, जार की जो ब्लेड है वो नहीं घूमता है। कहीं ऐसा ही प्रॉब्लम आपके मिक्सी में आ रही है तो क्या है प्रॉब्लम, कैसे आप उसको खुद से ठीक कर सकेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में बता रहे हैं। बहुत सिंपल और सरल तरीके से खुद से आप अपने मिक्सी को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर बिजली की बोर्ड में प्लग लगी हो तो निकाल देंगे, मिक्सी को बंद कर देंगे। उसके बाद ये जो जार होता है जार को निकालेंगे। दोस्तों जार निकालने के बाद आपको यहाँ पर दो चीजें चेक करनी है। पहला चीज चेक करनी है इस मिक्सी में लगी ये जो चक्री देख पा रहे हैं, चक्री का ऊपर वाला हिस्सा में चार खूंटी निकली हुई है, चारों खूंटी में थोड़ा थोड़ा कहीं से घिस तो नहीं गई है, उसे चेक कर लीजिए। कई बार जो घिस जाता है, घिसने के कारण से दोनों में आपस में कनेक्शन जो है कनेक्टिंग नहीं होती ठीक से, तो घिस जाएगी। तो इस चक्री को निकाल कर आपको दूसरी नई चक्री लगानी है। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो जार में जार के ये जो चक्री है इसे भी चेक कर सकते हैं, देख पा रहे हैं जार की जो चक्री उसे भी चेक कर सकते हैं, वो भी घिस गया होगा तो उसे भी बाहर निकाल कर नया चक्री लगा सकते हैं। दोस्तों निकालना भी काफ़ी आसान है, कैसे निकलेंगे बताते हैं। ये जो मिक्सी का जो चक्री है उसके लिए सिंपल पेचकस फिट करनी है, इस तरीके से ये देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप उसको पेचकस के मदद से ये जो चक्री है उसको बाहर निकाल सकते हैं, मार्केट में जाकर दूसरी चक्री ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मिक्सी की जो ब्लेड इस तरफ से हाथ से पकड़नी है और ये जो चक्री देख पा रहे हैं चक्री को हाथ से घुमानी है। दोस्तों ये देखिए चक्री घुमाते ही यहाँ पर ये जो चक्री है ये भी बाहर आ जाती है। सिंपल अब क्या करनी है, दोनों जो चक्री हैं उसको मार्केट जानी है, दो चक्री लेनी है और अपने मिक्सी में लगानी है, एक जार में एक मशीन में। फिर आपकी जो मिक्सी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, मिक्सी चल रहा था, आवाज़ कर रहा था लेकिन मिक्सी की जार में कुछ नहीं पीस रहा था, घूम नहीं पा रहा था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे बहुत सिंपल और इजी तरीके से। हम फिर मिलेंगे दूसरी नई वीडियो में।